अगर मन आपका टूटता हो तो एक उपाय बताती हूँ। महाराज बात है भले ही कुछ पंचों का स्थान नहीं, तो अभी मुझसे ये कह दो, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। मंत्री मंत्री माता माता
इसलिए वहां मेरा आहार जाना
एक तरह की बदनामी है। माता जी राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह कब का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल चुका। बेटा कैसे मुझसे निकाल जंगल और देखा मेरी जान को चिंता में डाल दे। माता जी जो बात मैंने कही है वह वास्तव में बिल्कुल सही है। आखिर मामला क्या है जरा मुझ पर भी तो बताओ। सारा वरदान सुना राज्य के बदले माता मुझको हो गया हूँ पति का खड़ा मुंत गई बैठ कर
के पिताजी हम और आप दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन ना करना आपके लिए विपत्त नाजानी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पूजनीय पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना हम दोनों के लिए महापाप है। बेटा, जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम निकाले तेरी माता का दम निकल जाएगा। बेटा, मैं जिंदगी के दिन किसके सहारे गुजारूंगी? माता जी, आप जरा धैर्य से काम लें। बेटा, किसके आगे सहारा भी तो जब वैद्य ना रहे तो ये भी ना रहे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा आपकी जान पर जाऊंगी, मगर उस भाई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे? बंदी जा, जा सीता को बुला ला। रो आके महारानी। तो छोटे वाले कुम देख लेने लगे थे, सब कमाने थे, वो देख लेते। माता जी कहिए क्या क्या ये तो एकदम से स्वामी जी, माता जी ये क्या बीमारी है और क्यों इस तरह आंसू बहा रही हूँ? क्या दासी की निस्बत कोई शिकायत है जो माता जी को रंज हिमायत है? नहीं प्रिय जी, आप पर तो इनकी सर्वदा नजरे हिमायत और हर समय उनकी जुबान पर आपकी फरमा बरदारी शिकायत है। तो फिर इस तरह रंज का क्या काम है? करती है, वरना बात तो बिल्कुल मामूली है। माता जी का कोई कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी गैर हाजिरी में ना केवल स्वयं धैर्य से काम लोगे, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे भी अधिक आराम होगा। 14 वर्ष माफ होते ही तत्काल आऊंगा, एक पल भी देर ना लगाऊंगा। प्राणनाथ, जो उस पिताजी की आज्ञा है मुझे उसमें कोई त्राज नहीं। वे हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं, आप उनके हुक्म की ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तमीज कीजिए, मगर इस दासी को भी पार करने की आज्ञा दी। अगर आपका जंगल में क्या है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? अगर आपको बर्बाद है तो मुझको भी बर्बाद है। मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। मैं बढ़ूं जाना राधे आ कंदे मां, भजन गा।
मैं
माता जी को इस कदर याद, मेरी जिंदगी पर लाख लानत और दिक्कत। माता जी जरा आंखें खोलो, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निशान, अगर नहीं उठती तो लीजिए लक्ष्मण मरने को तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, भला इस कायरता का क्या अर्थ है? बस तो बन दे रहा कि जब राम हर प्रकार से राज्य का हकदार है तो किसी दूसरे पद पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल सकते। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले में आए, अपने दोनों हाथ देखें और मारे दिखाए, ताकि राज्य करने का कुछ मजा भी आए। वरना मैं ऐसी चलाती कदा भी नहीं चलने दूंगा, जब तक दम में दम है किसी की दाल न करने दूंगा। जिसके दो हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे, बगैर सोचे समझे बात को मुख से निकालते हो और अपने आप को पापों के फंदे में डालते हो। जरा अपने आप को संभालो और ये गर्म जोश को दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। उधर माता जी की हालत बद से बदतर हो रही है, उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है। आपको ना जाने कौन सा चाल चल रहा है, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा भैंस बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही। कान बंद के लोग बस इस तरह और शराय कर रहे हैं। भाई को अकेला करूंगा मैं, है लक्ष्मण मेरे प्यारे भाई, है राम मेरे प्यारे भाई, है राम मेरे प्यारे भारत की आगे।
और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते, परंतु अगर चलने का ही इरादा है तो फिर देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्कार करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। हम सबकी कहानी